हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रैंडम एरर से रिलेटेड कुछ चीजें। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एरर स्टडी किए थे, उसमें एक रैंडम एरर भी था। और वहां हमने ये पाया कि जो रैंडम एरर को रिमूव करना है वो काफी टिपिकल होता है, काफी मुश्किल एक प्रोसेस होता है, क्योंकि रैंडम एरर को एलिमिनेट करना काफी एक टफ प्रोसेस था। So, उसके बाद में रैंडम एरर से रिलेटेड चीजों को स्टडी किया गया और रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए जो सबसे यूजफुल स्टडी की वो की गोज ने। गोज एक साइंटिस्ट थे जिसका फिजिक्स में काफी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स ऑल्सो। सो क्या है कि गोज क्या कहता है, कहता है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं या कोई किसी भी टाइप का हम मेजरमेंट करते हैं, तो उस मेजरमेंट में हम ये देखते हैं कि कई बार हमें पॉजिटिव एरर मिलता है, कई बार नेगेटिव। मतलब क्या है, कई बार हम जो ट्रू वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू मेजर कर लेते हैं और कई बार ज्यादा कर लेते हैं। तो इन केसेस में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एरर मिलते हैं। फिर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे एक ही मेजरमेंट को लेके। तो फिर उसने गोज ने क्या देखा कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर आने की पॉसिबिलिटी है वो दोनों की सेम है। तो फिर बात आई कि अब रैंडम एरर को एलिमिनेट कैसे करें। तो गोज ने ये कंक्लूड किया कि आपको रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, यू हैव टू परफॉर्म रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट, और वहीं से आप इस एरर को रिमूव कर सकते हो। फिर बात आती है कि अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो कर लिए, तो फिर उस जो मेजरमेंट में जो वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ट्रू वैल्यू के लिए गोज कहता है कि जितने भी आपने मेजरमेंट किए हैं सभी की वैल्यू को क्या है, आप मेजर कर लो और उनका अर्थमेटिक मीन निकालो, और अर्थमेटिक मीन निकालने से जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हाउ टू रैंडम एरर हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में। जिस जो ये वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहा है वो इससे पहले वाला वीडियो देख ले जस्ट। अब बात करेंगे कि रैंडम एरर को एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए जो सबसे पहले लॉ दिया था वो किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ ऑफ रैंडम एरर क्या कहता है, इट स्टेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर इज सेम। ये गोज ने ये कॉन्सेप्ट है कई सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तब उसने ये कंक्लूड किया था। तो उसके बाद क्या कहता है कि such error can be eliminated by रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, कई सारे एक्सपेरिमेंट करके हम इस तरह के एरर को रिमूव कर सकते हैं by repeating experiments। हमें एक्सपेरिमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, उससे हम रैंडम एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब एक ट्रू वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी बताता हूं मैं क्या होता है। सपोज करो यहां पे एक्स और वाई दो पॉइंट है बेटा। ठीक है, हमें एक्स और वाई के बीच का लेंथ मेजर करना था। हमने फर्स्ट टाइम इसका लेंथ मेजर किया 1 मीटर, सेकेंड टाइम 1.1 मीटर, थर्ड टाइम 0.9 मीटर, फोर्थ टाइम 1.10 मीटर, फिफ्थ टाइम अगेन 0.9 मीटर,
और फिफ्थ सिक्स्थ टाइम हमने क्या मेजर किया, 1.21 मीटर। बेटा यहाँ पे देखो, एक्स और वाई के बीच का हम लेंथ मेजर कर रहे हैं और हमें हर बार एक अलग वैल्यू मिल रही है, ठीक है, हर बार अलग वैल्यू मिल रही है। अब बात ये आती है कि एक्स और वाई के बीच का लेंथ कितना होगा, ठीक है ना, मतलब एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन सभी को ऐड कर दो, ठीक है, आप इन सभी जितनी मेजर्ड वैल्यू है, इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू है, इन सभी को ऐड कर दो और जितने टाइम आपने मेजरमेंट किया है उनसे इसको डिवाइड कर दो और वहां से एक्स और वाई के बीच की जो लेंथ है या एक्स और वाई के बीच की कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उसका आपको क्या मिलेगा, अर्थमेटिक मीन मिलेगा, वही इसकी ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब आपसे पूछे कि इन दोनों की एक्स और वाई के बीच में जो एक्चुअल लेंथ कितनी है, तो आप एक काम करो सभी को ऐड कर दो, 1 + 1.1 + 0.9 + 1.10 0.9 1.21, इन सभी को 6 से ऐड कर दो और ऐड करने से जो वैल्यू मिलेगी वही क्या चीज होगी, वही वैल्यू होगी ट्रू वैल्यू। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आप इन सभी को ऐड करके 6 से डिवाइड कर दो वो आपकी ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। सो इसी लॉ को हम एक जनरलाइज फॉर्मेट में बोले तो जैसे फर्स्ट वैल्यू को मैं A1 बोलता हूँ, इसको A2, ये 0.9 को A3, ये A4, ये A5, ये A6, ठीक है। तो आपको ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू को डेफिनेशन हम यहां देते हैं। ट्रू वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू रहती है, इट इज द arithmetic mean of all individually measured values। बेटा देखो क्या है, ट्रू वैल्यू को मैं यहां AM से रिप्रेजेंट करता हूं। देखो ट्रू वैल्यू को कई बुक में है ना, यहां पे आप देखोगे ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू भी बोल देते हैं, बोथ आर सेम थिंग, ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक मीन निकालते हैं जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सभी वैल्यू का। सो अब ट्रू वैल्यू का एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे आपको जब कभी भी ट्रू वैल्यू निकालनी हो, AM क्या चीज है, ट्रू वैल्यू को हम AM से रिप्रेजेंट कर रहे, तो आप क्या कह रहे हो, ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, जितनी भी वैल्यू आपने मेजर की है A1, A2, A3, A4, A5, A6, उन सभी को ऐड करके N से डिवाइड कर दो। N का मतलब क्या है, जितने टाइम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है, आप यहां अप टू AN कर दो, क्या कर दोगे, अप टू AN, क्योंकि N से डिवाइड कर रहे हैं ना, N टाइम हो रहा है, तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 अप टू AN, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मीन या ट्रू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बन गया। डेफिनेशन बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे रैंडम एरर में फर्दर कुछ और एरर है, लाइक एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इन सभी एरर को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एरर आपको पता है रैंडम एरर में एग्जिस्ट करेंगे, तो हमने कोई एक मेजरमेंट किया है, मेजरमेंट में हमें पहले वैल्यू मिली है A1, A2, A3, A4 अप टू AN, हमने n टाइम किसी वैल्यू को मेजर किया है, ठीक है। तो जब हम किसी वैल्यू को n टाइम मेजर करेंगे तो मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा उसमें ट्रू वैल्यू क्या होगी, जब आपने मेजरमेंट किया तो उस मेजरमेंट में जिस फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर कर रहे हो, आप लेंथ को मेजर कर सकते हो, एरिया को, वॉल्यूम को, हाइट को, किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो, तो उस केस में जब आपने n टाइम मेजरमेंट किया है तो उस मेजरमेंट में मैं आपसे पूछता हूं आपकी ट्रू वैल्यू क्या रहेगी। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, जो मेजरमेंट करते हो उस टाइम आप उन सभी मेजरमेंट का अर्थमेटिक मीन निकालो और वो अर्थमेटिक मीन ही आपकी क्या होगी, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी हो तो बेहद इजी काम है, आप
सभी जो मेजर्ड क्वांटिटी है, इंडिविजुअली मेजर्ड क्वांटिटी है, उनका मीन निकालो, अर्थमेटिक मीन। तो a1, a2, a3 अप टू कितना है an, इन सभी को ऐड करके n से डिवाइड कर दोगे तो जो आपको ये वैल्यू am मिली ये आपकी ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है, ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया ही है। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि नेक्स्ट है मेरे पास में एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा? ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है एब्सोल्यूट एरर की? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? डेल्टा ए से। और जैसे ट्रू वैल्यू को मेजर किससे किया हमने? ए एम से। ट्रू वैल्यू को यहां पे लिख लो, ए एम से मेजर किया। और ट्रू वैल्यू का दूसरा नाम मीन वैल्यू भी होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन होता है इसलिए मीन वैल्यू भी बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको क्या होती है। इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू। बेटा आप समझे यहां पे क्या कह रहे हैं? कह रहे कि जब भी आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो आप ट्रू वैल्यू में से, एएम में से इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो, जो आपने वैल्यू इंडिविजुअली मेजर की है, जैसे आपने a1 मेजर की, a2 मेजर की, a3, आप am में से a1 माइनस करोगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, am में से a2 में माइनस करोगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। ठीक है, सपोज यहां पे आपके पास में आपको निकालना है, इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं। जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा, डेल्टा ए से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो यहां पे सपोज करो मेजरमेंट से ट्रू वैल्यू आपको कितनी मिली, एम, और आपने इंडिविजुअली मेजर जो वैल्यू की वो कितनी की, ए, कोई भी एक वैल्यू मेजर की ए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को नाम देंगे हम एब्सोल्यूट एरर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये तो इसका जनरल फॉर्मेट हो गया। यहां पे एएम क्या चीज है, ट्रू वैल्यू, और ए क्या चीज है, इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू, और डेल्टा ए आपको क्या बताएगा, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए आपको क्या बताएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस मेजरमेंट से रिलेटेड, हमें बातें करनी है इस मेजरमेंट में, देखेंगे क्या रहेगा। ठीक है, सो बेटा यहां पे मैं आपसे कहूं कि एब्सोल्यूट एरर निकालो। ठीक है, मैं आपसे ये पूछूं कि एब्सोल्यूट एरर a1 में कितना होगा? एब्सोल्यूट एरर इन a1, A1 जो वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेजरमेंट किया, उसमें सबसे पहली वैल्यू आपने A1 मेजर की, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? तो आप क्या करोगे, मीन वैल्यू में से जो वैल्यू मेजर की उसको माइनस कर दो, तो AM माइनस A1 ये क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन A1। और एब्सोल्यूट एरर इन A1 को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा A1 से। तो यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एब्सोल्यूट एरर इन A1 इसको हम लिखेंगे डेल्टा A1, और डेल्टा A1 को क्या लिख दोगे आप, डेल्टा A1 क्या होगा, AM माइनस A1। आगे मैं आपसे पूछूं एब्सोल्यूट एरर इन A2 में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो आप लिखोगे डेल्टा A2, और ये क्या होगा, AM माइनस में A2। मतलब अगेन ट्रू वैल्यू में से आप सेकंड इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू माइनस करोगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर इन A2 मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप चलते जाओगे। ठीक है, मेजरमेंट करते जाओ, फिर मैं आपसे पूछूं एब्सोल्यूट एरर इन AN कितना होगा, AN में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसको लिखने का मेथड क्या होता है, डेल्टा AN का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इन AN।
उस केस में आप क्या करोगे, मीन वैल्यू में से इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू घटा माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो an, ये आपके पास में आपने यहां से एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख लिया है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, मुश्किल तो कहीं है ही नहीं, सबसे इजी न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, ठीक है बेटा। फिर आपको कई बार एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है, एक और टाइप का एरर है जो एब्सोल्यूट एरर आपके आते हैं उनका मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं कि आपके पास में जितने भी ये एब्सोल्यूट एरर आए हैं आप उनका पॉजिटिव अर्थमेटिक मीन निकालो। क्या निकालो, पॉजिटिव अर्थमेटिक मीन। पॉजिटिव वर्ड मैंने यूज क्यों किया बेटा, कह रहे कि जब भी हम ये वैल्यू एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकालते हैं तो यहां पे कई बार हमें प्लस वाली वैल्यू मिलेगी, कई बार माइनस, कभी इन दोनों का डिफरेंस प्लस मिलेगा, कभी माइनस मिलेगा, लेकिन जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को प्लस काउंट करेंगे, वो माइनस में है तो भी मोड लगा के उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और उन सभी एब्सोल्यूट एरर का जो अर्थमेटिक मीन निकालोगे उसी को हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। सो अब आप लिखो, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो यहां पे जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा ए से, ठीक है, डेल्टा ए से एब्सोल्यूट एरर, और आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आप इसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी बेहद इजी है। डेल्टा एम क्या चीज है, मतलब क्या है कि आपने जितने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं A1, A2, A3, A4 में उन सभी का मीन निकालना है आपको। तो यहां पे आप लिख दो, ये क्या होगा, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इन सभी का आपको क्या निकालना है, अप टू डेल्टा AN, इन सभी का मीन निकालना है, इनको ऐड करके n से डिवाइड कर दो। बट एक कंडीशन क्या है, ये जो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल के लेके आए हो इन सभी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ना है तो उसको बना दो, कहीं वैल्यू माइनस आ रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाए, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर की, और ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला हमारा बन गया ये, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज नोट कर लो, डेफिनेशन क्या है, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल इंडिविजुअली मेजर्ड, यहां पे एक वर्ड और सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑल इंडिविजुअली मेजर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअली मेजर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख दोगे, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल इंडिविजुअली मेजर्ड एब्सोल्यूट एरर, ऐसे ऐसे चलोगे, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद में जब कई बार हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको ये बोला जाएगा कि फाइनल रिजल्ट विद मीन एब्सोल्यूट एरर लिखो, ठीक है। तो उस केस में आपको ये पूछा जाए फाइनल रिजल्ट विद एब्सोल्यूट एरर, आपको ऐसे बोला जाए लिखने के लिए, तो आप उस रिजल्ट को कैसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप ये बोला गया कि फाइनल रिजल्ट को एब्सोल्यूट एरर के साथ में लिखो, तो आप क्या करोगे, उसकी ट्रू वैल्यू में से एम जो ट्रू वैल्यू होगी उसमें क्या कर दोगे, प्लस माइनस डेल्टा एम कर दोगे, प्लस माइनस डेल्टा मीन एरर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो क्योंकि हमें यहां पे पता नहीं होता ये जो एरर है ये पॉजिटिव नेचर में है या नेगेटिव नेचर में, तो फाइनल रिजल्ट को आप इस फॉर्मेट में लिख दोगे,
ये न्यूमेरिकल, जब आपसे कई बार एग्जामिनर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछेगा फाइनल रिजल्ट विद एब्सोल्यूट एरर, देखो फाइनल रिजल्ट विद मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा रिजल्ट, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे फाइनल लिखने के बाद में आपको है ना मीन लगाने की जरूरत नहीं है, फाइनल रिजल्ट विद एब्सोल्यूट एरर कर दोगे इतना काफी है। फिर अपने पास एक और एरर आता है, दैट इज रिलेटिव एरर। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा? रिलेटिव एरर कहता है कि जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपको जो एरर मिलेगा वो रिलेटिव एरर होगा। इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। आपको रिलेटिव एरर को दिखाने के लिए आप डेल का सिंबल यूज करोगे, डेल ए। डेल ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिलेटिव एरर इन ए। तो आप यहां पे डेल ए की वैल्यू क्या होगी, डेल एक सिंबल है, सो डेल ए रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या होता है, आप मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, मीन एब्सोल्यूट एरर को, सॉरी डेल्टा एम को, मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करके डेल्टा एम को ए से डिवाइड कर दो। ए क्या चीज होती है? ट्रू वैल्यू। देखो यहां पे हमने ट्रू वैल्यू निकाली थी एम, ट्रू वैल्यू को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप मीन एब्सोल्यूट डेल्टा एम को जब एम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको रिलेटिव एरर मिलेगा, ठीक है। और फिर एक लास्ट टाइप है, दैट इज परसेंटेज एरर। ये कुछ खास नहीं है, परसेंटेज एरर। इसमें क्या होगा, ये रिलेटिव एरर का एक परसेंटेज होता है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, इफ इट इज द रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर ही होता है, इट इज द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जब रिलेटिव एरर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो उसी को हम परसेंटेज एरर बोलेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे परसेंटेज ए, देन परसेंटेज डेल्टा ए, ठीक है ना। क्योंकि डेल्टा ए रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके आगे परसेंटेज लिख दो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, आगे या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पीछे लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, डेल्टा ए परसेंटेज। तो डेल्टा ए परसेंटेज निकालने का क्या मेथड होता है, होता तो रिलेटिव एरर ही है, तो क्या होता है ये डेल्टा एम अपॉन में एम, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिजल्ट किस में आ गया, परसेंटेज में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो कई बार आपको ये पूछ लिया जाएगा कि आप परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो, ठीक है। और कई बार ये भी आपको देखने को मिलेगा, आपको ये बोला जाएगा कि आप फाइनल रिजल्ट विद परसेंटेज एरर लिखो, फाइनल रिजल्ट विद परसेंटेज एरर, फाइनल रिजल्ट को परसेंटेज एरर के साथ में लिखो, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट, सो नेक्स्ट न्यूमेरिक, ये जो न्यूमेरिकल है अपने पास एक एनसीईआरटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। अब हम इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, आपको एग्जाम में इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल मिलते हैं, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ये एरर से रिलेटेड, सो इसमें रैंडम एरर से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन ए साइंटिफिक मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.36 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 एंड 2.80 सेकंड। आपको फाइंड क्या करना है, मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सेकंड केस में एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, थर्ड केस में मीन एब्सोल्यूट एरर, जितने एब्सोल्यूट एरर सेकंड वाले केस में फाइंड आउट किए उन सभी का मीन निकाल देंगे थर्ड में, फोर्थ में आपको रिलेटिव एरर, फिफ्थ में आपको परसेंटेज एरर, और लास्ट केस में आपको फाइनल
रिजल्ट लिखना है विद प्रॉपर फॉर्म ऑफ एरर, एरर की प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। सो बेटा वीडियो को पॉज करके खुद इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो होपफुली आपने ऐसा कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। देखो अब कह रहे कि आपको जो रीडिंग मिली वो कौन कौन सी थी, मेजरमेंट भी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की जो फर्स्ट रीडिंग थी वो कौन सी थी, 2.63, देन 2.56, उसके बाद में 2.42, देन 2.71 और 2.80। मेजरमेंट में हमें ये रीडिंग मिल रही है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, और ये टाइम की रीडिंग है, सारी सेकंड में है। ओके, सो अब एक बात बताओ, हमें हमें फाइव रीडिंग मिली तो मैं इसको मेंशन कर दूं ना, ये मेरा A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। These all are individually measured value. ये सारी individually measured value है बेटा। अब एक बात बताओ, अब मेरे को first case में क्या पूछा है? Mean value निकालनी है। सबसे easy काम है mean value निकालना। Mean value निकालो। Mean value या true value एक ही बात है ना? Mean value, true value एक ही बात होती है। निकालने का formula क्या होता है? AM। AM क्या कहता है? आप A1, A2, A3, A4, A5 सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, मतलब n वैल्यू हो तो n से डिवाइड कर दो, 5 है तो 5 से डिवाइड करो सभी को ऐड करके, 6 वैल्यू हो तो सभी 6 वैल्यू को ऐड करके 6 से डिवाइड करो। अब देखो ट्रू वैल्यू कितनी आती है, तो ट्रू वैल्यू आप यहां पे लिख दोगे AM इज इक्वल टू A1 कितना था 2.63, A2 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, सभी को ऐड कर दो और 5 से क्या कर दोगे डिवाइड, सभी को ऐड करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 13.12 अपॉन में 5, और जब इसको डिवाइड सोल्व करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 2.62। सो आपको मीन वैल्यू कितनी मिली, 2.62 सेकंड, ये वैल्यू किस में आएगी, सेकंड में, ठीक है। तो मीन वैल्यू आपने निकाल ली। सेकंड केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। सो निकालो एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट क्या रहेगा, देखो एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। ईच मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे हम। तो आप एब्सोल्यूट एरर A1 में निकालो तो डेल्टा A1 होगा, डेल्टा A1 निकालने के लिए क्या होगा, AM माइनस A1 करते हैं, तो मीन वैल्यू कितनी 2.62, और एब्सोल्यूट एरर ईच मेजरमेंट में निकालने के लिए आप मीन वैल्यू में से इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दोगे, ठीक है। तो मीन वैल्यू कितनी आई आपकी 2.62 जो ट्रू वैल्यू होती है या मीन वैल्यू, और इसमें से फर्स्ट इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.63, तो 2.63 लिख दोगे, सोल्व करोगे तो -0.0, ठीक है। लेकिन एक में ही नहीं निकालना, ईच मेजरमेंट में कितने मेजरमेंट हुए हैं हमारे, 5 मेजरमेंट किए हमने तो 5 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो सेकंड डेल्टा A2 में निकाल दो एब्सोल्यूट एरर, तो क्या करेंगे AM माइनस A2, तो 2.62 माइनस में सेकंड मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.56, इसको सोल्व करोगे तो +0.06 सेकंड, और फिर आपके पास A3 थर्ड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालो तो क्या होगा AM माइनस में A3, AM कितना 2.62 माइनस में A3 थर्ड मेजर वैल्यू कितनी है 2.42, वैल्यू कितनी आती है +2.0। फिर फाइनली फोर्थ में निकालो AM माइनस A4, AM कितना 2.62, फोर्थ मेजर वैल्यू कितनी 2.71, तो वैल्यू कितनी आती है -0.09। सो एट लास्ट वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर कितना बनेगा AM माइनस में A5, फिफ्थ वैल्यू में AM मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 2.62 माइनस में फिफ्थ वैल्यू क्या है अपने पास में इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू 2.80, सो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.18, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ चुके हैं इन ईच मेजरमेंट। अब थर्ड केस में हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो हमें क्या करना है, ये जो एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं उनका मीन फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट केस में लिखो आप, थर्ड केस आपका कौन सा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है बेटा।
मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करोगे, आपको डेल्टा ए का मीन निकालना है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, इसको हम डेल्टा ए मीन से ही रिप्रेजेंट करें। तो इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, कहते हैं कि जो आपने ईच मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर और डेल्टा ए फाइव, आप उनका मोड ले लो, क्या ले लो, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेना है इनका, और फिर इसका मीन निकालो सभी को ऐड करके, जितने नंबर ऑफ टाइम ये मेजरमेंट रिपीट हो रहा है उसको उतने से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम यहाँ पे फाइंड कर लें, ठीक है बेटा, यहाँ पे आप डेल्टा ए मीन करोगे, डेल्टा ए मीन, तो आपको क्या करोगे, डेल्टा ए वन की वैल्यू लो, तो डेल्टा ए वन कितना है, माइनस 0.01, उसका मोड ले लो, पॉजिटिव नेचर में लेना आपको। ए टू, डेल्टा ए टू की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे 0.06 प्लस में। डेल्टा ए थ्री, ए थ्री की वैल्यू कितनी है, 0.20। ए फोर कितना है, माइनस जीरो पॉइंट, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम, ये जो वैल्यू है -0.09 प्लस में मोड -0.1। आप इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डेल्टा ए मीन की वैल्यू क्या मिलेगी, इनको ऐड करो, अब देखो मोड लगने के बाद में माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 0.01 प्लस में, ये मोड भी प्लस, ये तो है ऑलरेडी प्लस है, 0.06, 0.20 प्लस में, -0.09 ये भी प्लस हो जाएगा, और प्लस में -0.18 ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस मोड इनको पॉजिटिव बना देगा अपॉन में 5, क्योंकि इनका हमें पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। सो डेल्टा ए एम, जब आप इन सभी को ऐड करोगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी 13, आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी, देखो कितनी मिलेगी, इनको ऐड करके देखो, 18 और 9 कितना, 27 और 20, 47 और 6, 43 और 1, 45, तो 0.54 अपॉन में 5, ये आपको वैल्यू मिलेगी। जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा 0.108 ये मिलेगा, और आप डेल्टा ए मीन इसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 0.11। सो डेल्टा ए मीन की वैल्यू, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर जो 6 केस में, वो मिलेगा 0.11, ठीक है बेटा। अब उसके बाद में आपको निकालना है रिलेटिव एरर, आप क्या फाइंड आउट करोगे, रिलेटिव एरर, तो अब लिखो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करोगे। सो यहां पे मैं लिख देता हूं रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना बेहद इजी है, डेल ए, तो इसका फॉर्मूला क्या था डेल ए का, आपको याद हो तो, आपको क्या करना होता था, जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, आता है अपने पास में, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आता है, इसको हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों का रेशियो तो रिलेटिव एरर होता है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा ए मीन को ए मीन से डिवाइड कर दोगे, मतलब डेल्टा ए मीन का मतलब क्या है, सॉरी डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर को, डेल्टा ए एम को आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे ए एम से, और ट्रू वैल्यू ए एम ही तो होती है, जहां से हमने फाइंड आउट की थी 2.62 आई थी, तो इस केस में वैल्यू निकालो, डेल्टा ए मीन की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने, 0.11, और मीन वैल्यू अपनी कितनी थी, 2.62। जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपकी जो, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपका होगा रिलेटिव एरर, ये आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी नियर अबाउट 0.04, ये मिलेगी 0.04, आप कैलकुलेशन कर लेना बेटा, तो रिलेटिव एरर आपको ये मिलेगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपके पास आता है परसेंटेज एरर, क्या आता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल ए परसेंट, ठीक है। तो परसेंटेज एरर में हम क्या करते हैं, मतलब जो वैल्यू रिलेटिव एरर की आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है और कुछ नहीं होता। सो यहां पे आप देखोगे हमारे पास परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था,
आपको मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करना था, ट्रू वैल्यू से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना था और वो परसेंटेज आ जानी थी। ठीक है, तो डेल ए परसेंटेज, डेल ए परसेंटेज निकालो। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखो, ये डेल्टा ए बाई एम, डेल्टा एम बाई एम, ये वाली वैल्यू यहाँ पे दिख रही है ना आपको, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.04, कितनी है 0.04, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगा एंड ये होगा 4%। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी कवर हो चुका बेटा। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपके पास है एक्सप्रेस रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, आपको प्रॉपर फॉर्म में रिजल्ट को लिखना है, तो आप लिख दो, यहीं पे लिख दो, ये तो यहां तक परसेंटेज एरर हो चुका है, आप यहां पे लिखो फाइनल रिजल्ट विद एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के साथ में हम फाइनल रिजल्ट को लिख देंगे। ठीक है, तो लिखो फाइनल रिजल्ट एब्सोल्यूट एरर के साथ में। देखो फाइनल रिजल्ट का मतलब हमें फाइनल रिजल्ट क्या फाइंड आउट करना था, हमें तो ये इतने जितने मेजरमेंट किए हैं उनकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो ट्रू वैल्यू देखो कितनी आई 2.62, और 2.62 की वैल्यू में कितना एब्सोल्यूट एरर आया था। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट एरर लिखोगे ये मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ में लिखना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, जो एब्सोल्यूट एरर तो कई सारे आए थे लेकिन हमें तो ये फाइनल वैल्यू, फाइनल रिजल्ट तो 2.62 था, तो इसके साथ में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो मीन ही लिखना पड़ेगा, वो कितना आया था 0.11। ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो आपने इसको फाइनल रिजल्ट विद एब्सोल्यूट एरर लिख दिया है, ये आपका सिक्स पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे मेजरमेंट किसमें है, सेकंड में है ना, तो इन सब के साथ में यूनिट लिख देना, सेकंड सेकंड सेकंड, ठीक है ना, यूनिट मेंशन कर देना। यहाँ पे भी आप फाइनल रिजल्ट करोगे तो ये सेकंड 0.11 सेकंड ये रिजल्ट मिलेगा, रिलेटिव एरर के भी लास्ट में यहाँ पे सेकंड, क्योंकि सारे आपको क्या मिल रहे, सेकंड मिल रहा है। ठीक है, ये सॉरी ये सेकंड नहीं है। ठीक है, सो इसके बाद में आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये इतना आप लिख दोगे, और इसके साथ में भी आप सेकंड लिख दो, यहाँ पे 2.62 सेकंड। ओके, और फिर इसके बाद में इसको फाइनल रिजल्ट को परसेंटेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, यहाँ पे स्पेस की कमी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट विद, फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की टर्म में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों लिख दो तो भी बेटर है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया, जो ट्रू वैल्यू बनेगी वो अपना फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, अब उसमें परसेंटेज एरर कितना आया वो लिख दो, तो परसेंटेज एरर को भी प्लस माइनस लिखोगे, जैसे यहाँ पे भी है ना, प्लस माइनस लिखते हैं। फाइनल रिजल्ट एब्सोल्यूट एरर में कितना आया 2.62, प्लस माइनस 0.1 है। ठीक है, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब आप कहोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, भाई हमने यहाँ पे मीन करके माइनस को प्लस ले लिया था, प्लस को ऑलरेडी प्लस ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होती है कि एरर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। सो फाइनल रिजल्ट परसेंटेज एरर में लिखोगे तो फाइनल रिजल्ट की वैल्यू लिखो कितना 2.62, जो अपनी ट्रू वैल्यू होती है वो फाइनल वैल्यू होती है, और उसमें एरर कितने परसेंट आ सकता है, तो वो एरर आने की पॉसिबिलिटी कितनी थी 4%। तो ये भी आपका आंसर होगा। So my dear student, it was all about today's class. Hopefully आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में शेयर करना। So thank you. Have a good day ahead.